तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गुड न्यूज है। यह दोस्तों अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्पॉन्सरशिप ऑफर की जा रही है, यानी कि आप सरकार के विज्ञापनों को जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, वहां पर शो करेंगे, दिखाएंगे, उसके बदले सरकार आपको भुगतान करेगी, आपको पेमेंट देगी। तो इसके लिए दोस्तों सरकार ने प्रोसेस जो है वो बता दी है, साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें भाग लेने के लिए, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से क्रिएटर्स को कितने फॉलोअर्स की जरूरत पड़ेगी, कितना वीडियो आपको अपलोड करना पड़ेगा और कितना पेमेंट आपको मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इस स्पॉन्सरशिप ऑफर में आपको भाग लेने के लिए, इस योजना में आपको भाग लेने के लिए करना क्या होगा बेसिक सा। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो करना है उसकी मैं प्रोसेस बता देता हूं। इसके लिए आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि सूचना विभाग के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिंक जारी की जाएगी, वो लिंक भी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों वो जो डॉक्यूमेंट है उनमें आपके फर्म का नाम या पंजीकरण, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, संबंधित प्रपत्र है तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर या व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट के संचालक का आयकर रिटर्न, यानी कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपके पास आईटीआर फाइल का जो प्रिंट होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका पैन कार्ड नंबर, इसके बाद आपका बैंक खाते का पूरा विवरण, इसके बाद आपके फर्म के अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के अकाउंट के संचालक का आधार कार्ड, यानी कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो यूट्यूब चैनल का मुख्य संचालक है उसका आधार कार्ड यहां पर चलेगा, उसी का पैन कार्ड यहां पर चलेगा, उसी का आईटीआर यहां पर चलेगा, क्योंकि दोस्तों जो चैनल होता है उसका जो पेमेंट होता है वो मुख्य संचालक के बैंक खाते में जाता है। इसके अलावा अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण भी इनको चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट होगा, इसकी प्रोसेस हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन लिंक मिलेगी, ऑनलाइन लिंक पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन को क्या क्या रखा गया है, मतलब किस कैटेगरी के हिसाब से जो है सरकार आपको स्पॉन्सरशिप देगी। तो इसके लिए दोस्तों चार कैटेगरीज रखी गई है जिसमें ए बी सी और डी कैटेगरी है। अब इनमें दोस्तों जो चार कैटेगरी रखी गई है इनमें मैं आपको बता दूं कि ए कैटेगरी वाले कितनी वीडियो अपलोड करेंगे एक महीने में, बी कैटेगरी वाले कितनी वीडियो अपलोड करेंगे एक महीने में, सी कैटेगरी वाले कितने वीडियो अपलोड करेंगे एक महीने में और डी कैटेगरी वाले जो है कितनी वीडियो अपलोड करेंगे एक महीने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ए कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के बारे में। तो दोस्तों जो ए कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे उनको एक महीने में 12 वीडियो अपलोड करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के बारे में। तो दोस्तों जो बी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल होगा उसको एक महीने में 10 वीडियो अपलोड करनी होंगी। इसके अलावा दोस्तों जो सी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे उनको एक महीने में 8 वीडियो अपलोड करना है, और इसके बाद जो डी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे दोस्तों उनको एक महीने में 6 वीडियो जो है अपलोड करना है। इस सरकारी स्पॉन्सरशिप जो स्कीम लागू की गई है इसके अंतर्गत हम दोस्तों इस योजना की वीडियो अपलोड करने की बात तो हमने कर ली है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि पैसा कितना मिलेगा आपको, ए कैटेगरी वाले को कितना पैसा मिलेगा, बी कैटेगरी वाले को कितना पैसा मिलेगा। सारी कैटेगरी की मैं आपको पहले पेमेंट बता देता हूँ कि कितना पेमेंट आपको मिलने वाला है, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी में कितने सब्सक्राइबर का जो रखा गया है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के बारे में। तो दोस्तों ए कैटेगरी के यूट्यूब चैनल वालों को प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 2,20,000 रुपए तक ही दे होगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ए कैटेगरी के ही बारे में, तो प्रति शॉर्ट अधिकतम भुगतान 1,20,000 रुपए तक ही दे होगा, यानी कि अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उस पर 2,20,000 रुपए मिलेंगे और शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर आपको 1,20,000 रुपए मिलने वाले हैं, तथा विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रति माह 8,00,000 रुपए तक होगी, यानी कि एक महीने में आप 8,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ए कैटेगरी के यूट्यूब चैनल की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल की। दोस्तों जो बी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल है उनमें आपको प्रति वीडियो 1,20,000 रुपए की जो है राशि दी जाएगी,
और शॉर्ट वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो उसमें आपको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान यानी कि तरह तरह की जितने भी आपके विज्ञापन होंगे उनकी टोटल यानी कि कुल और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आपको 7,00,000 रुपए तक का जो विज्ञापन है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब हम बात करते हैं सी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल की, तो प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 1,00,000 रुपए तक ही दे होगा, प्रति शॉर्ट वीडियो अधिकतम भुगतान 80,000 रुपए तक मिलेंगे आपको, और टोटल जो आपके विज्ञापन होंगे उनमें आप प्रति माह 6,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं, इतने विज्ञापन आपको दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं डी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर डी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के लिए मैं आपको बता दूं प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 80,000 रुपए जो है दे होगा, यानी कि प्रति वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो एक वीडियो का आपको 80,000 रुपए मिलेगा, और प्रति शॉर्ट अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका आपको 60,000 रुपए प्रति शॉर्ट आपको मिलेगा, और टोटल अगर हम बात करें तो 4,00,000 रुपए तक आप अपने इस डी कैटेगरी के चैनल पर विज्ञापन जारी कर पाएंगे। तो ये दोस्तों चारों कैटेगरी हो गई। अब हम बात करते हैं कि इन चारों कैटेगरीज में आपके सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए यूट्यूब चैनल पर, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कितने सब्सक्राइबर आपको चाहिए सभी कैटेगरी में। तो जो एक कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे दोस्तों उसमें आपके कम से कम 10,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो बी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे उनमें आपको 5,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो सी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे उनमें आपको 2,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए, और जो डी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल होंगे उनमें आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।